श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारत दौरे का ऐलान हो गया है। श्रीलंका की टीम अगले महीने अपने भारत दौरे पर 3 टेस्ट 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम भारत के विजय रथ को रोकने में कामयाब होती है या नहीं। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन में 16 नवंबर से खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच 24 नवंबर से नागपुर और तीसरा टेस्ट मैच 2 दिसंबर से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। गौरतलब है कि विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया हाल ही में श्रीलंका टीम का उसके ही देश में टेस्ट वनडे और T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करके लौटी है। 3 टेस्ट की सीरीज उसने 3-0 और 5 वनडे की सीरीज 5-0 के एक तरफा अंतर से जीती थी। इसके अलावा सीरीज के तहत खेले गए एकमात्र T20 मैच में भी भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ भारत को सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद अब दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।